खान मूवी का मैक्सिमम सीन दुबई में शूट हुआ है। ये लोकेशन दुबई के बुर्ज खलीफा के समीप का है। यूएई के फेमस टॉक शो के पॉपुलर होस्ट पठान मूवी के सेट पर नजर आए हैं। उनका नाम अनस बुकस है। पठान मूवी में एक बार फिर शाहरुख खान को लंबे बालों में दोस्तों हम लोग देख पाएंगे एंड उनका यह लुक हूबहू डॉन सीरीज से मिलता है। दुबई के मैदान रेस कोर्स का यह प्यारा सा लोकेशन है। यहाँ शाहरुख खान एर्तुगुरुल गाजी की तरह घोड़े पर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। पठान मूवी का यह एक्शन सीक्वेंस चलती ट्रक पर शूट हुआ है। यहाँ ना तो उन्होंने कोई सपोर्टिंग वायर लगा रखा है और ना ही क्रेन के सहारे उन्हें सपोर्ट मिला है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यह एक्शन सीक्वेंस खुद शाहरुख खान ने नहीं किया है, बल्कि उनके डबल बॉडी द्वारा यह सीन परफॉर्म किया जा रहा है। फिल्म के अगले शूटिंग में शाहरुख खान एक हमर गाड़ी के छत पर शूट करते नजर आ रहे हैं। एक्चुअली यह एक्शन सीक्वेंस उन्होंने खुद से किया है। यहाँ किसी भी प्रकार का डबल बॉडी नहीं है और यह बिल्कुल रियल स्टंट है। यूं तो चलती गाड़ी पर इस तरह के एक्शन सीक्वेंस परफॉर्म करना खतरनाक है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जिस गाड़ी के ऊपर शाहरुख खान फाइटिंग कर रहे हैं उसकी स्पीड कितनी है और उन्होंने किसी भी प्रकार का सपोर्टिंग वायर भी नहीं लगा रखा है। दुबई में शाहरुख खान की काफ़ी इज्जत है। दुबई में शाहरुख खान का एक आलीशान बंगला भी है। वहीं दुबई के रॉयल फैमिली से भी उनकी अच्छी बनती है। तभी तो किंग खान के जन्मदिवस पर बुर्ज खलीफा भी उन्हें जन्मदिन की बधाई देता है। शाहरुख खान को दुबई में शूटिंग करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। उन्हें आसानी से परमिशन वहाँ मिल गया था। यहाँ तक कि उनकी शूटिंग के लिए रोड भी ब्लॉक कराए गए थे। दुबई का कार चेजिंग एक्शन सीक्वेंस पठान मूवी का क्लाइमेक्स हो सकता है, क्योंकि इसके बिहाइंड द सीन में काफ़ी खतरनाक स्टंट यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। यह एक्शन सीक्वेंस हॉलीवुड लेवल की है, जैसा कि जेम्स बॉन्ड और टॉम क्रूज की फिल्मों में दिखाई देता है। इस एक्शन सीक्वेंस को कई लोगों द्वारा शूट किया जा रहा है और यह काफ़ी दिनों तक चला है, जिसमें कुछ सीन दिन के हैं तो कहीं रात के सीन भी इस शूटिंग में आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो यह है कि इतनी बड़ी शूटिंग में VFX वर्क बिल्कुल भी नहीं दिखा है, क्योंकि दुबई की शूटिंग बिल्कुल रियल है एंड पब्लिक प्लेस में शूटिंग हो रही है। इसी एक्शन सीक्वेंस में हेलीकॉप्टर भी दिखाई दे रहे हैं। वैसे कहने की बात नहीं है, क्योंकि सिद्धार्थ आनंद अपनी फिल्मों में रियलिस्टिक टच देने के लिए जाने जाते हैं। उनकी वॉर मूवी भी रियल लोकेशन पर ही शूट करी गई थी। बहुत कम VFX उनकी फिल्मों में देखने को मिलता है। यदि आपने वॉर मूवी का बिहाइंड द सीन वीडियो नहीं देखा है तो उसे हमारे चैनल से चेकआउट आप कर सकते हो। शाहरुख खान का स्टारडम तो देखिए, पिछले 5 सालों में एक भी फिल्म नहीं चली, इसके बावजूद उन्होंने पठान के लिए 100 करोड़ रुपए लिए हैं। उमेर संधु ने ट्वीट करते हुए शाहरुख खान की फीस के बारे में लोगों को बताया था। उन्होंने कहा कि ऑफिशियली शाहरुख खान बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर बन चुके हैं एंड पठान के साथ ही एटली कुमार के निर्देशन में अल्लू अर्जुन की एक और मूवी आ रही है जो पुष्पा पार्ट 2 के बाद आएगी, जिसके लिए अल्लू अर्जुन ने भी 100 करोड़ रुपए लिए हैं। दैट्स अमेजिंग। दैट्स मीन अल्लू अर्जुन और किंग खान का रुतबा एक जैसा है। बाय द वे, क्या आप मानते हो इस बात को? कमेंट में आप जरूर बताना। पठान मूवी में शाहरुख खान एक अंडरकवर एजेंट का किरदार निभा रहे हैं। उनके मिशन के दौरान एक अफ्रीकन मार्केट भी दिखाया गया है, जिसमें हथियारों की खरीद बिक्री होती है। दरअसल यह सेट मुंबई के फिल्म सिटी में ही तैयार किया गया है एंड मूवी का 30% हिस्सा अफगानिस्तान के पहाड़ियों और वादियों में शूट करना था, लेकिन युद्ध की स्थिति की वजह से रियल लोकेशन जाना असंभव हो गया था। इसीलिए फिल्म मेकर सिद्धार्थ आनंद फिल्म सिटी मुंबई में ही अफगानिस्तान का सेट तैयार हैं, जहां कुछ शॉट VFX स्टूडियो के भी हैं। जैसा कि सिद्धार्थ आनंद ने ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर को भी निर्देशन किया था, जो बॉलीवुड की हाईएस्ट ओपनिंग फिल्म है और यह ऋतिक रोशन के लाइफ की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी भी है। अब सिद्धार्थ आनंद जी का दूसरा धमाका हमें पठान में देखने को मिलेगा।
यशराज फिल्म्स के बैनर तले पठान मूवी बन रही है, जबकि टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर और टाइगर 3 फ्रेंचाइजी भी यशराज फिल्म्स की ही है। पठान मूवी को लेकर सलमान खान ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया था कि वह इस फिल्म का हिस्सा होंगे। उनका रोल मूवी में एक स्पेशल एपीरियंस की तरह नहीं है, बल्कि एक बड़ी टाइम ड्यूरेशन में उन्हें हम देख पाएंगे। पूरे 20 मिनट के सीन में सलमान खान हेलीकॉप्टर से पठान मूवी में एंट्री लेंगे एंड वो शाहरुख खान को रशियन माफिया से बचाकर लाएंगे। एक्चुअली टाइगर फ्रेंचाइजी में सलमान एक रॉ एजेंट है, वहीं पठान में शाहरुख रॉ एजेंट ही होंगे। इस मूवी के जरिए यशराज फिल्म्स मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की तरह अपना खुद का एक स्पाई यूनिवर्स बना रहा है, जिसमें फिलहाल तो पठान के साथ टाइगर को जोड़ा जा रहा है एंड सलमान खान की टाइगर 3 में शाहरुख खान भी नजर आएंगे। टाइगर में भी आ रहे हैं दोनों और दोनों पठान में भी आ रहे हैं। आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि वॉर मूवी के कैरेक्टर्स भी पठान की अगली सीरीज में देखने को मिल जाए, क्योंकि ऋतिक रोशन की वॉर को भी यशराज फिल्म्स ने ही बनाया है।